सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचो दयात। तो हम लोग पॉलिटी की शुरुआत करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हमने मॉडर्न हिस्ट्री के तहत देखा था, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जब हम लोग कर रहे थे, तो उसमें हमने संवैधानिक विकास देखा था, संविधान का विकास। और अब हम पूरी तरह से पॉलिटी की बात करने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था को शुरू करें उससे पहले पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इनको समझने के लिए कुछ सिद्धांतों की जरूरत होती है, कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन कंसेप्ट को समझे बिना हम संविधान की भावना को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें संविधान के लेटर्स में नहीं जाना है, स्पिरिट में जाना है, शब्दों में नहीं जाना है, भावनाओं में जाना है। ये जो संविधान है ये बड़ा भावनात्मक अर्थ देता है, इसीलिए इस संविधान को चलाने वाले पर ही निर्भर करता है कि संविधान अच्छा है या बुरा है। शब्दों से काम नहीं चलेगा, शब्द का दुरुपयोग भी हो सकता है, स्पिरिट मायने रखती है कि भावनाएं क्या है आपकी, उसी में उसके उद्देश्य है। संविधान पर चल करके, संविधान में जो बताया गया है उसका पालन करके, अगर हम संविधान के उद्देश्यों तक नहीं पहुंचते हैं, टारगेट तक नहीं पहुंचते, लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तो फिर इसका मतलब है कि हमने ठीक से चला नहीं है। अगर हम संविधान पे चलते हैं, अगर हम संविधान की बात मानते हैं, संविधान के हिसाब से काम करते हैं, हमारा तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक तरीका है, तो फिर रिजल्ट भी वही आना चाहिए जो संविधान को बनाने वाले मदर्स और फादर्स चाहते थे। संविधान को बनाने वाले जिस उद्देश्य को लेकर के संविधान को बनाते हैं, हमारा संविधान बनाया है, वो उद्देश्य अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि संविधान का पालन ठीक से नहीं किया गया। तो संविधान, जैसे मैं कहूं कि 11 बजे आना है, तो 11 बजे आना है इसका मतलब दिन में 11 बजे आना है, रात को 11 बजे बुलाने का कोई तुक ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो आप कहोगे नहीं, हम तो आपने कहा था 11 बजे, देखो हम आ गए। तो ये हुआ शब्द, शब्द पे चलना मतलब ये कुतर्क, आप तर्क लगा रहे हो, तर्क के हिसाब से आप ठीक है कि आप 11 बजे ही आए, लेकिन वो 11 पीएम कभी नहीं कहा जाएगा आने के लिए। अगर हम गायत्री मंदिर पे बुलाएंगे, हमारी क्लास में बुलाएंगे, कहीं पे भी बुलाएंगे, तो आपको ऐसा समय बताएंगे, उसका मतलब पीएम और एएम जो आपको अपना मर्जी से जो लगाना है वो भावनात्मक, अगर आपकी भावना शुद्ध है और आपकी भावना ठीक है तो आप 11 एएम करोगे, 11 पीएम नहीं करोगे। आया ना समझ? चाहे शब्द कुछ भी बोला गया हो, यही संविधान में है कि स्पिरिट पे जाना है, ना कि लेटर्स पे, शब्दों पे नहीं जाना। किसमें जाना है? स्पिरिट पे जाना है। तो एक तो ये चीज है, तो स्पिरिट पे जाने वाली जो सिद्धांत है उसका नाम है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये जो सिद्धांत है जिसपे स्पिरिट की बात की जाती है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। संविधानवाद क्या है
व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सीधा सा कोई एक लाइन में आंसर बताइए, आप लोगों में से बताइए। चलिए जो लोग जानते हैं पहले वो बाद में बता दीजिएगा, पहले जो लोग नहीं जानते उनसे पूछते हैं। आप में से बताइए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक लाइन में आंसर। सिंह, मूल तत्व। अच्छा हाँ, यस, संविधानवाद का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। संविधानवाद का मतलब होता है एक लाइन में लिमिटेड गवर्नमेंट। और अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इसके ऊपर सवाल है, व्हाट इज लिमिटेड गवर्नमेंट, व्हाट इज डेमोक्रेसी। और लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है डेमोक्रेसी, लिमिटेड गवर्नमेंट का होता है डेमोक्रेसी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था अभी शुरुआत में, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो काम करती है उसको गवर्नेंस कहते हैं, गवर्नमेंट जो काम करती है, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट क्या कहलाता है, गवर्नेंस। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस है, वो मैक्सिमम होना चाहिए। काम ज्यादा बातें कम, काम ज्यादा बातें कम मीन्स मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब एक तरह से ऑटोक्रेसी, ज्यादा गवर्नमेंट मतलब ऑटोक्रेसी, मिनिमम गवर्नमेंट मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेसी। डेमो मीन्स पीपल और क्रेसी मीन्स रूल, पीपल्स रूल, जनता का शासन, डेमोक्रेसी। आपने सुना होगा ऑटोक्रेसी, खुद ही अपने आप को बहुत कुछ समझना, तानाशाह मानना, अपने हिसाब से ऑर्डर देना, अपने हिसाब से काम करना, ऑटोक्रेसी हम बोलते हैं उसको, ऑटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी पैसे वालों की सरकार, प्लूटोक्रेसी, ठीक है ना। ओलिगोक्रेसी, एक या दो लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं, पूंजीपति, ओलिगोक्रेसी, ठीक है। तो इस तरह से जो ये जो हम बात करते हैं ना, ऐसे ही डीमो, डीमो मीन्स पीपल, डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पीपल, पॉपुलेशन, डेमोग्राफी। सो डीमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल। सो किसका रूल? पीपल्स रूल, जनता का शासन। तो जनता का शासन लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता का शासन, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को भी डिफाइन करना हो तो, और संविधानवाद को भी डिफाइन करना हो तो किताब के हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। और कौन चलाएंगे? लोगों के हिसाब से चलेगा। चलाएंगे कौन? गवर्नमेंट चलाएंगे, लेकिन अपने आप को लिमिटेड रखेंगे, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो अब आप टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़िएगा कभी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो गवर्नमेंट पढ़ते हैं ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में, लेकिन सॉवरेंटी तो जनता में है, तो सॉवरेन तो जनता भी, लेकिन उन्होंने अपनी सॉवरेंटी ट्रांसफर किया किसमें कर दिए? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में फिर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिपरिषद है, जो एग्जीक्यूटिव का काम करती है। उसका हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर, और पार्लियामेंट का हेड जो होता है वो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तीनों मिलाकर बनती है पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा 11 12th का पॉलिटी पढ़िए, बेसिक चीजें और ये सिद्धांत वगैरह आपको वहां समझ में आएंगे।
और वहां जो है आपको इसीलिए बार बार आता है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार की ताकत को कम करता है वो डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। कमजोर सरकार, कमजोर गवर्नमेंट, मजबूत लोकतंत्र, मजबूत डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र मजबूत। सरकार यदि मजबूत है तो डेमोक्रेसी कमजोर है, क्योंकि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ताकत भ्रष्ट करती है और ज्यादा ताकत पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। जितनी ज्यादा ताकत उतना ज्यादा करप्शन, जितनी ज्यादा ताकत उतना ज्यादा करप्शन, तो उससे तो जनता को फायदा होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का भाव समझ में आ रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया ताकि ताकत कम की जा सके। किसकी ताकत? गवर्नमेंट की। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑपरेट करके, कॉन्स्टिट्यूशन का आधार बना करके जो पावर को एंजॉय करेंगे उन पर अंकुश लगाना, तरह तरह के अंकुश लगाना। तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहां जो भी व्यक्ति सत्ता में होता है, पावर में होता है, सत्ता में होना यानी पावर में होना, उस पर कई तरह के अंकुश होते हैं। उस पर लोकपाल भी होता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी बैठा होता है, और संविधान का रक्षक बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए संविधानवाद के तत्वों में जो सबसे बड़ा तत्व आता है वो आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, सरकार इतनी पावरफुल नहीं है कि अध्यादेश ला करके कुछ भी कर लें। पार्लियामेंट बैठी हुई है, पार्लियामेंट में पहले राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में प्रस्तुत करो, फिर बहुमत साबित करो, फिर उसको वहां पास करवाओ, बहस करो पहले, फिर लोग सहमत होंगे तो पास करेंगे, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, तब जाकर के वो कानून बनेगा। और कानून में यदि ऐसा लगा कि कोई दिक्कत है, फंडामेंटल राइट्स को दिक्कत है, जनता को दिक्कत आने वाली है, और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको स्ट्रक डाउन करवा देगा, कहेगा कि ये कानून नहीं माना जाएगा। इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। संविधानवाद का जो आप देख रहे हैं उसमें जो मूल तत्व हैं संविधानवाद के, उनमें आएगा एक तो ये पहला जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हो, पार्लियामेंट भी कह सकते हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि कानून बनने की प्रक्रिया सलाह सहमति से होगी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पिछली बार भी लेक्चर शुरू किया था, तब आपको बताया था पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर में, रूल ऑफ लॉ, रेक्स इज लेक्स, सॉरी लेक्स इज रेक्स, ठीक है। तो ये वाला सिद्धांत समझ लीजिए, लेक्स इज रेक्स क्या है, रेक्स इज लेक्स क्या है, पहले भी बताया था आपको। रेक्स का मतलब किंग और लेक्स का मतलब लॉ। रेक्स का मतलब किंग, तो बिफोर मैग्ना कार्टा 1215, बिफोर 1215 ब्रिटेन में जो कॉन्सेप्ट था वो था रेक्स इज लेक्स, किंग इज लॉ, जो किंग है वही कानून है। बिफोर मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा नहीं आया था ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, खास करके हम ब्रिटेन की बात करते हैं, तब तक ब्रिटेन के अंदर कानून का शासन नहीं था, राजा का शासन था। तो बोलते थे रेक्स इज लेक्स, यानी किंग इज लॉ, किंग जो है, राजा जो है वही कानून है, उसने जो कह दिया वो कानून है, वो जो करता है वो कानून है। लेकिन मैग्ना कार्टा में क्या आया, 1215 में उन लोगों ने पहली बार तय किया कि लेक्स इज रेक्स होगा, यानी लॉ इज किंग, कानून राजा होगा, यानी राजा भी कानून के अंदर आएगा, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ। पहले क्या था, रूल बाय लॉ, रेक्स इज
लेक्स होता है तो उसमें क्या होता है, रूल बाय लॉ, कानून के द्वारा शासन करना, कानून को यूज करके टूल बना करके शासन करना, कानून का डंडा चला करके शासन करना, कानून का डर दिखा करके शासन करना, रूल बाय लॉ। और अगर जो शासन कर रहा है वो भी अगर लॉ के अंदर है तो उसको बोलेंगे रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून का शासन। उसमें राजा भी उसके अंदर है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत एक तरह से ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा को कहा जाता है। और 1215 में जब हमारे यहां कुतुबुद्दीन ऐबक और ये और वो तुगलक और वो सब चल रहा था, तब वहां पर वहां के लोग मिलकर के मीटिंग करके ये तय कर रहे थे, 3 पेज का एक डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम दिया और उन्होंने कहा कि जो लॉ है वो किंग रहेगा और किंग लॉ से ऊपर नहीं है, आम आदमी भी ऊपर नहीं है और किंग भी नहीं है, आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है, आया समझ। इसलिए उसको संविधान का या उसको एक तरह से फंडामेंटल राइट्स का फाउंडर या फादर बोलते हैं हम लोग, कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है, एक तरह से मैग्ना कार्टा। इसलिए हम पार्ट 3 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, लोगों को अधिकार दिया गया। इसलिए जब बात आएगी फंडामेंटल राइट्स की, जब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, चलेंगे हम पार्ट 3 में एक दो दिन में, एक आध दो क्लास के बाद, तो जब हम पार्ट 3 की बात करेंगे तब पार्ट 3 का मतलब यही है, पार्ट 3 का मतलब यही है, वो पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए, आम आदमी के अगेंस्ट नहीं मिले, आपके रिश्तेदारों या पड़ोसियों के अगेंस्ट नहीं मिले हुए, फंडामेंटल राइट्स जो मिले हुए हैं वो स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए। तो व्हाट इज स्टेट, स्टेट मींस पार्लियामेंट, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मींस पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा ये, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्टेट है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज जितने भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट के पैसे से, पैसा जहां जहां पे भी इन्वॉल्व है, जिसको भी सैलरी मिलती है सरकार से, वो सब, वो सारे के सारे जो लोग हैं, वो सारे जो ऑफिसेज हैं, लोग नहीं ऑफिसेज खास करके, वो जो पोस्ट हैं वो सभी स्टेट हैं। इसीलिए जब हम फंडामेंटल राइट्स को जब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जितने सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं उसमें तमाम एजेंसीज अपने आप को स्टेट मानने से मना करती हैं। वो बोलते हैं कि नहीं 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 हम स्टेट नहीं हैं, फिल्म निर्माण केंद्र वाला वो बोलेगा हम नहीं है, बीसीसीआई बोले बीसीसीआई स्टेट नहीं है, बीसीसीआई तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये तो बोर्ड है, ये स्टेट थोड़ी है। क्योंकि आप जो फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करते हो ना वो स्टेट के अगेंस्ट करते हो, स्टेट के अगेंस्ट करते हो मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट। अब आया ना समझ में, लिमिटेशन गवर्नमेंट पे कि वो वॉयलेशन नहीं होने देगा, वो इक्वेलिटी से बिहेव करेगा, वो जब अपॉइंटमेंट देगा तो फिर भेदभाव नहीं करेगा, वो घूमने फिरने देगा, भाषण देने देगा, वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो हमारे जान की रक्षा करेगा, जान नहीं लेगा, जीवन जीने का अधिकार, उपासना की स्वतंत्रता, सेक्युलरिज्म, ये सारी चीजें प्रैक्टिस कौन करवाएगा, स्टेट, स्टेट की ड्यूटी है, नहीं तो फंडामेंटल राइट्स है और अल्टीमेट रेमेडी है, क्या वाली, सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट रेमेडी, सुप्रीम कोर्ट जाइए, स्टेट के अगेंस्ट। अगर आम आदमी के ये एक दूसरे आदमी ने किसी का कुछ कर लिया,
इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जितने जो केसेस हैं वो सब क्या है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एमपी स्टेट, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान स्टेट, तो स्टेट वर्ड बार बार आएगा, बट यहां स्टेट का मतलब क्या है, यहां स्टेट का मतलब ये जो 28-29 स्टेट्स होते हैं हमारे यहां, ये वाले स्टेट्स नहीं है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाला स्टेट नहीं है। तो यहां स्टेट का मतलब है अथॉरिटी, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नमेंट, यहां तक कि पंचायत, लोकल गवर्नमेंट, नगर निगम, ये सब स्टेट है, ये सारे स्टेट है। और इनमें से कोई भी अगर वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स का तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आया समझ में? तो ये तो हम फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन ये मैंने यहां क्यों बताया, क्योंकि वो जो फंडामेंटल राइट्स है वो ही लेक्स इज रेक्स होता है, वो ही लॉ को किंग बनाता है, वही तो लॉ को किंग बनाता है कि उसमें ह्यूमन यानी कि ह्यूमन राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि नागरिक पीपल, और जगह जगह पर पीपल वर्ड है, पर्सन एक जगह पर तो पर्सन है, आप देखोगे कई जगह पर तो डिस्क्रिमिनेशन की ओर जब बात आती है तो क्या क्या लिखा रहता है, पर्सन, सिटीजन नहीं है, पर्सन। विदेशियों को भी मिले हुए, स्थानीय लोगों को भी मिले हुए, भारत के निवासियों को भी है, सिटीजन्स को, नागरिकों को मिलने वाले भी मौलिक अधिकार हैं, फॉरेनर्स को भी है, जो इस देश के नागरिक नहीं है उनको, इसलिए पर्सन वर्ड है, व्यक्ति, व्यक्ति को मिला हुआ है। लेकिन जहां सिटीजन लिखा हुआ है क्या वहां पर उन लोगों के अधिकार नहीं होंगे, विदेशी के भाषण देने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 हम बोलते हैं भारतीय नागरिकों के लिए है, तो क्या बाहर का आदमी आकर के बातचीत भाषण नहीं दे सकता, बाहर का आदमी ऐसे खुले में कोई स्पीच नहीं दे सकता, दे सकता है, बट फंडामेंटल राइट को एंजॉय नहीं करे, अगर किसी ने रोका उसे तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा, बात समझ में आ रही, क्या होगा अगर यूएस का सिटीजन है, नेपाल का है, नेपाल के ढेरों लोग हमारे यहां जॉब करते हैं जबकि जॉब मिलने का अधिकार किसका है, फंडामेंटल राइट किसका है, सिटीजन्स का है, कि जॉब किसको मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब किसको मिलेगा, प्राइवेट जॉब, खास करके जॉब किसको मिलेंगे, नौकरी करने का अधिकार किसका है, तो क्या नेपाल का आदमी ने यदि आवेदन किया और नौकरी मिल गई तो मिल गई तो मिल गई, लेकिन अगर उसको किसी ने नहीं दी तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा, कुछ बात समझ में आ रही, अगर उसको नेपाली होने के कारण अगर किसी ने नौकरी नहीं दी बाकी वो नौकरी कर सकता है, संविधान का मतलब समझ रहे हैं, बहुत बहुत बारीकियां हैं इन्हीं शब्दों में, बारीकियां हैं, और यूपीएससी के जो क्वेश्चन है वो इन्हीं बारीकियों में जा रहे हैं, वो ये नहीं कि आर्टिकल 14 बताइए, आर्टिकल 17 बताइए, आर्टिकल 19 बताइए, इसमें नहीं, वो इस तरफ जा रहा है देखना कौन। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब मूल स्पिरिट, मूल भावना, तो ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा उसमें, ठीक है। तो और अगर मान लिया जाए ऐसा कोई कानून बन गया जिससे कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हो रहा है या नागरिकों के अधिकारों को दिक्कत आ रही है या जो भी कुछ जो हम मूल भावनाओं की बात कर रहे हैं अगर उनमें अगर कोई दिक्कत है तो क्या होगा, न्यायालय बीच में आएगा, न्यायालय उसको लिमिटेड करेगा, गवर्नमेंट को लिमिटेड करता है, उसके एग्जीक्यूटिव पावर को लिमिटेड करता है। कई लोग जो है वो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री को इतने अधिकार देने चाहिए, प्रधानमंत्री को पूरी ताकत दे दो, प्रधानमंत्री को इतनी सीटें दे दो कि उसके बाद बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल बिंदास काम करें, उनको कोई रुकावट ना हो, कोई उनकी टांग ना खींचे, जबकि डेमोक्रेसी का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब
यह है कि लिमिटेड गवर्नमेंट, ज्यादा से ज्यादा उसको लिमिट करो, उल्टा है जो कई बार बोलते हैं 5 साल स्थायी सरकार, बिल्कुल टेंशन नहीं है। अगर आप लिमिटेड गवर्नमेंट के हिसाब से बात करें तो खर्चे वाली बात जरूर है कि चुनाव बार बार होंगे तो खर्चा होगा, इसलिए स्थायी सरकार होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है वो गठबंधन सरकारें मानी जाती हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें बहुत लोग जो है वो लिमिट करने की कोशिश करते हैं और बहुत लोगों को खुश करना पड़ता है। जब बहुत लोगों को खुश करना पड़ता है उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो बात कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की है वो आपको, तो सर्वोच्चता किसकी होती है, न्यायपालिका की, एक तरह से कि न्यायपालिका जो है वो कंट्रोल करती है, और क्या होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, पार्लियामेंट्री सुप्रीम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा माना जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सिद्धांत सफल नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद में संवैधानिक नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर बहुत सारे ऐसे ड्राफ्ट स्पीच उनकी ऐसी हैं जिसमें उन्होंने संवैधानिक नैतिकता की बात की, एक तो स्पेशली संवैधानिक नैतिकता के ऊपर ही है पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब नैतिकता के कई सारे प्रकार हैं, कई तरह की नैतिकता होती है, लेकिन संविधानवाद की भावना के आधार पर काम करना, जनता के हित में काम करना, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना, वेलफेयरिज्म के लिए काम करना, जनता के कल्याण के लिए काम करना, लोगों के अधिकारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना, उनके बारे में काम करना, यानी संविधान की स्पिरिट पे ज्यादा से ज्यादा जाना, लेटर्स पे नहीं, उसको बोलते हैं संवैधानिक नैतिकता। एक होती है इंडिविजुअल मोरालिटी, खुद के लिए हमारा मोराल होता है जिसमें हम बोलते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, तमाम प्रकार की बातें हम लोग अपने खुद की मोरालिटी के लिए बात करते हैं। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करते हैं तब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मोरालिटी, मोरालिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, तो पूरा पूरा एथिक्स का पेपर जो है, एथिक्स की जो बात हम करते हैं, मॉरल वैल्यूज, तो वो सारी मॉरल वैल्यूज एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में होने चाहिए। तो इस प्रकार की मोरालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव मोरालिटी, प्रशासनिक नैतिकता। एक नैतिकता होती है सोशल मोरालिटी, तो जिसमें मॉरल पुलिसिंग कहते हैं, कई बार कि बजरंग दल वाले वैलेंटाइन डे पे जाके पीटते हैं, जो कपल बैठे रहते हैं इधर उधर गार्डन वगैरह में, तो उनको जाके पिटाई लगाते हैं, तो सोशल मॉरल पुलिसिंग उसको बोलते हैं, मॉरल पुलिसिंग, कि आप नैतिकता सिखाने का बात कर रहे हैं। ये जो मोरालिटी है ये क्या है, सोशल मोरालिटी। फिर धर्म के आधार पर, ये वर्ग का आदमी मंदिर में नहीं घुस पाएगा, महिलाएं अभी 13 से 45 साल की हैं तो वो वाली जो महिलाएं हैं 13 से 45 वाली वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी, केरला का सबरीमाला वाला मंदिर, ये सब है रिलीजियस मोरालिटी, धार्मिक नैतिकता। LGBTQ वाले लोग, लेस्बियन, गे और जो सेम सेक्स मैरिज की बात करते हैं, ऐसे लोगों को पीटेंगे अगर कहीं मिल गए तो, होता भी है, मॉब लिंचिंग होती है, उनकी हत्या हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, दरअसल जब हम इसकी बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है अपने, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मोरल्स के हिसाब से होते हैं, न कि इंडिविजुअल मोरालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव मोरालिटी या सोशल मोरालिटी या रिलीजियस मोरालिटी के हिसाब से होते हैं। किसके हिसाब से होते हैं? राइट टू इक्वालिटी,
राइट टू लाइफ, राइट टू मैरिज, विवाह का अधिकार, और वो सारी कानूनी व्याख्याएं होती हैं। और वो कानूनी व्याख्याएं किस आधार पे होती है? संविधान के हिसाब से होती है। आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सेक्स, रिलीजन, कास्ट, प्लेस, इस बर्थ प्लेस, इस आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, आप किसी की जिंदगी नहीं छीन सकते। आप किसी को घूमने फिरने से, बात करने से, मिलने जुलने से नहीं रोक सकते, यहां तक कि सभा सम्मेलन करने से भी नहीं रोक सकते, रैली निकालने से नहीं रोक सकते। और स्टेट की ड्यूटी बनेगी कि वो सब इनको ऐसा करने दे, और उस आदमी का राइट है कि वो ऐसा करेगा, ये उसका अधिकार है, अब उसे रोक नहीं सकते। वो श्रेया सिंगल वाला केस है, आपको पता है, 66A वाला बड़ा फेमस केस है। बाल ठाकरे की जब डेथ हुई थी महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो पूरा शहर जाम हो गया क्योंकि शव यात्रा बड़ी विशाल शव यात्रा थी। वो मराठियों के सबसे बड़े नेता थे, बल्कि देश के ही बड़े नेता थे, शिवसेना के फाउंडर हैं, और उन्होंने शिवसेना की नींव रखी और बहुत पॉपुलर लीडर थे। और पॉपुलर लीडर होने के नाते शहर एक तरह से बंद था, रास्ते भी कुछ बंद कर दिए गए। तो उसने उस पर, ट्विटर तो नहीं था, फेसबुक पे शायद, एक कमेंट कर दिया कि कितना भी बड़ा लीडर हो लेकिन आदमी को अपने अपने काम करने का, अगर किसी को कहीं जाना है ऑफिस या किसी को कहीं जाना है तो उसके लिए तो आप रास्ता नहीं रोक सकते, उस दिन आप ट्रेन बंद नहीं कर सकते, या ये नहीं कर सकते, या वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कमेंट कर दिया उसने। अब इतने बड़े लीडर के अगेंस्ट कमेंट आया था, और उसकी एक फ्रेंड थी, उसने उसको लाइक कर दिया, तो महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों को जेल में बंद कर दिया। आर्टिकल सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन एक्ट का, यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी का जो ये कानून है, IT एक्ट का, उसका सेक्शन 66A। तो 66A के तहत जो है उन दोनों को जेल हो गई कमेंट करने से, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ टकराता है। अब ये जो मोरालिटी की बात है कि नैतिकता होनी चाहिए, आप इतने बड़े लीडर के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, आप इतने बड़े लीडर के अगेंस्ट कैसे बोल सकते हैं, उनकी डेथ हो गई है, इतनी भीड़ है। तो वो एडवोकेट थी, एक तरह से LLB कर रही थी या क्या कर रही थी, या LLB किया हुआ था, जो भी था। तो वो सुप्रीम कोर्ट गई अपनी उसके केस में, और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स नाम की कोई चीज है कि नहीं, आप ये बताइए, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं हुआ, क्या हम इतना भी नहीं बोल सकते? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर खारिज, स्ट्रक डाउन कर दिया, 66A को खत्म कर दिया, स्ट्राइक डाउन के हमेशा के लिए। उन्होंने कहा यह धारा ही खत्म कर दें, पुलिस इस धारा के तहत अब किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी इंडिया में। उसको बोलते हैं श्रेया सिंगल केस, श्रेया सिंगल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत फेमस केस है, 2003 या 2004 जो भी, ठीक है। तो याद रखिए, पढ़िए कभी विकिपीडिया पे जाकर, बड़ा फेमस केस है, और केस के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऊपर है, कौन सी मोरालिटी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आप उसे इंडिविजुअल मोरालिटी की या सोशल मोरालिटी की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इतने बड़े लीडर के लिए आपको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसको डिफाइन किया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ऊपर रखा। जब LGBT के फेवर में बात करते हैं वो कि LGBT को हम लोग उचित नहीं मानते या नहीं मानते, वो सोसाइटी के हिसाब से उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो है, हमारा जो कल्चर है, वो उसको अलाउ नहीं करता सेम सेक्स मैरिज को, लेस्बियन को, गे को, इनको नहीं करता। बट ह्यूमन राइट्स के हिसाब से देखें तो, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से देखें तो, और हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हम सोशल मोरालिटी को साइड में रख दें, रिलीजियस को, कल्चरल मोरालिटी को, सबको साइड में रख दें, और अगर हम केवल कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज को लेकर जाएं, उसकी मूल भावना को लेकर जाएं, तो क्या है, तो उसके हिसाब से वो रह सकते हैं, वो शादी कर सकते हैं। बट वो अगर किसी पुलिस थाने में रेमेडी मांगने जाएंगे, उस तरह से प्रोटेक्शन मांगने जाएंगे, तो वो उतना नहीं मिलेगा जितना एक नॉर्मल कपल को मिल जाता है।
क्योंकि उतना सपोर्ट फिर वहां उसके डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड करेगा, उसे भी देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर जगह बचाने नहीं आ पाएगा। यही चीज सबरीमाला वाले केस में उन्होंने कही कि आर्टिकल 17 जो है वो किसी प्रकार की अनटचेबिलिटी की बात करता है, किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी जो है आप नहीं साइन कर सकते। अच्छा, एब्सोल्यूट है आर्टिकल 17, ही एक ऐसा आर्टिकल है जो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ न कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शन पहले हैं, राइट बाद में है। कई बार आप लोगों के भी राइट होते हैं तो उसके बाद पहले वो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, पिकनिक जाने का राइट घर पे, लेकिन पहले बोलते हैं तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम ये भी नहीं करोगे, तुम वो भी नहीं करोगे, और अब तुम पिकनिक जा रहे हो, मालूम है ना तुमको। राइट कहां चला गया? रेस्ट्रिक्शंस की लिस्ट पहले आती है, लेकिन अनटचेबिलिटी वाली जब बात आती है तो उसमें सबसे बड़ी चीज है कि नागरिक के ऊपर, पर्सन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब समझ में आ गया कि वो पूरी तरह से अधिकार है उसका, आप उस पर शर्तें नहीं थोपेंगे कि अगर तुम नहा के आते तो हम तुम्हें छू लेते या हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करते, अगर तुमने कल नाली साफ नहीं की होती तो आज हम छुआछूत नहीं करते, अगर ऐसा होता तो वैसा, वैसा होता तो, कुछ नहीं। आपको छुआछूत करनी ही नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं करनी है, अनटचेबिलिटी किसी भी कीमत पे नहीं करनी है, बात समझ में आई? इसीलिए उन्होंने सबरीमाला में महिलाओं को अलाउ किया कि वहां वो जा सकती हैं, रिलीजियस मोरालिटी से भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो आपको समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिन चीजों में होती है, जिन एक्शंस में होती है, उसी को बोलते हैं संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलिए। तो ये था बिल्कुल बेसिक वाला लेक्चर जहां पर शुरुआत की हमने संविधानवाद और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब इसके बाद जो आज का होमवर्क भी है आपका, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एंड थर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, जब भी संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा, बेसिक स्ट्रक्चर को न छेड़ो। तो ये कहां से आया, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसका जाकर के होमवर्क करिएगा, लक्ष्मीकांत में करें, सुभाष कश्यप में करें, डीडी बसु में करें, जयंत पांडे की किताब में करें, कहीं से भी जाकर के करें, और या फिर एनसीईआरटी से करें, लेकिन इसको करिए, या फिर विकिपीडिया से भी, हमारे नोट से भी, जहां पर कहीं पर भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो पहला केस जो है इसमें चंबकम दोराई राजन वाला केस है 1951 का, और ये चंबकम दोराई राजन का जो केस है 1951 का, और एक जो केस है शंकरी प्रसाद वाला केस, तो ये दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये, और ये जो केस आए थे 1951 में, ये जस्ट क्या हुआ कि जैसे ही संविधान बना था उसके एक साल के अंदर ही पहला संविधान संशोधन आ गया, पहला संविधान संशोधन करना पड़ गया, और चंबकम दोराई राजन केस के तहत ही एक तरह से हमको पहला संविधान संशोधन मिला। और पहला संविधान संशोधन में यह हुआ कि शेड्यूल 9 बना, और आर्टिकल 31A 31B की जो बात की वो उसमें जोड़े गए, और उनके तहत ये था कि संविधान की जो अनुसूची 9 है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हुआ ये था कि जब हम पहली पंचवर्षीय योजना को देख रहे थे, और नेहरू जो थे बड़े विजनरी लीडर थे, तो उनने सोचा कि हम बहुत सारे वेलफेयरिस्टिक वर्क करना है, डैम बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग करना है, PSUs बनाने हैं बहुत सारे,
और बहुत सारा निर्माण करना है, रेलवे लाइन बनानी है, बहुत सारे रोड बनेंगे और जगह जगह पर प्रॉपर्टी का मसला आएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मसला आएगा। तो हर कोई, जब भी हम स्कूल में जब भी हम किसी गांव में स्कूल बनाना चाहेंगे तो लोग आएंगे कि ये तो हमारा जगह है, कोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे हम करें, विकास कैसे करें? तो खास करके जो DPSP के हिसाब से बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाले में जो बात आई थी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देंगे और जन कल्याण के काम करेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, तो DPSP करने जाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, खास करके प्रॉपर्टी राइट्स था 19(1)(f), ये सब थे। तो इन सब को होते हुए आप जन कल्याण कर सकते हो क्या? तो बहुत दिक्कत थी। तो उन्होंने नए क्लॉज, खास करके 9th शेड्यूल इसीलिए लेके आए थे कि उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जब भी हम जन कल्याण करेंगे और अगर हमने उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया तो आप में से कोई भी चैलेंज नहीं करेगा। बट चैलेंज करने के लिए गए तो शंकरी प्रसाद वाला केस था, पहला वाला 1951 वाला, और चैलेंज करने गए थे तो उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका तो संशोधन हो सकता है, आप संशोधन कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को संशोधित किया जा सकता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में यदि आप अमेंडमेंट नहीं करेंगे, यानी फंडामेंटल राइट्स का अगर अमेंडमेंट नहीं होगा तो फिर तो वेलफेयर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि राइट्स बीच में आ जाएंगे। और दूसरा जो केस आया था सज्जन सिंह वाला, राजस्थान राज्य वाला 1965 वाला, उसमें भी क्या कहा गया कि हाँ ठीक है संशोधन हो सकता है। तो अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, उसमें पूरा पूरा पढ़िएगा। 65 में उसकी लेजिटिम उसको जो है बरकरार रखा कि नहीं नहीं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, इस केस में भी हम लोग। लेकिन 1961 में जो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट वाला केस है, वहां आकर के उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो संशोधन के योग्य नहीं है, अमेंडेबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते, वो जनता के मौलिक अधिकार हैं और उन्हें आप अमेंड नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं हो सकता उनमें। तो मैं जल्दी से आगे बढ़ूं तो जब ये नहीं हो सकता बोला तो फिर इंदिरा गांधी सरकार जब आई 1971 में तो उन्होंने 24वां और 25वां संशोधन किया, 24वां और 25वां संशोधन किया, और गोलकनाथ वाले केस में जो लिखा था उसमें उन्होंने कहा कि नहीं ये जो 368 है, आर्टिकल 368 जो है इसके तहत जब हम संशोधन करते हैं तो ये दरअसल वो सामान्य संशोधन नहीं है, साधारण विधेयक नहीं है, ये संविधान संशोधन विधेयक है और ये 368 के तहत हम कर रहे हैं और इसके तहत हम लोग कर सकते हैं संशोधन, और इसको आप सामान्य संशोधन नहीं मानेंगे, इसमें हस्तक्षेप नहीं मानेंगे। दरअसल ये जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता इनका, देखा जाए तो आप जुडिशियल रिव्यू नहीं, सो इसमें जुडिशियल बीच में नहीं आएगी। और ऐसा 24वां और 25वां संविधान संशोधन जब आया, थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा उसका, नोट्स में अच्छे से समझाया हुआ है, ये सब चीजें अगर होती है तो फिर जाकर के जो केस आया, जो बहुत ही जबरदस्त केस है जिसको हम लोग लैंडमार्क डिसीजन कहते हैं, वो है केशवानंद भारती केस 1973 का केशवानंद भारती केस। उन्होंने 24 और 25 की वैधानिकता को ज्यादा चैलेंज नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है सरकार का मन रख लिया उन्होंने कि सरकार ने जो भी, संसद ने जो भी कानून बनाया है कि ठीक है कि 368 मान करके आप करिए संशोधन करिए, फंडामेंटल राइट्स में भी कर लीजिए, चलिए कर लीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। संविधान की कुछ मूल भावना है जो मैंने अभी बताया, संविधानवाद के ऊपर आधारित है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी पे आधारित है, जो रूल ऑफ लॉ पे आधारित है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पे आधारित है, जो फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के है, यानी संघात्मक शासन को लेकर के है, फेडरलिज्म की भावना पर आधारित है, ठीक है। तो इन सब मूल भावनाओं को, और जुडिशियल रिव्यू, खास करके जुडिशियल रिव्यू तो क्योंकि संविधान का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, और उसे तो संविधान की रक्षा करनी है,
इसलिए वो तो रिव्यू करके रहेगा, रिव्यू होना ही चाहिए। अगर ये सब चीजें, इन सब चीजों को आप नहीं छेड़ते हैं तो आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और उसके बाद आपने देखा है कि इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, इमरजेंसी हुई और वो सब। उसके बाद जो संविधान संशोधन हुए उसमें उन्होंने 24-25 को भी खत्म कर दिया। बाद में जो केस आया 1980 में, वो मिनर्वा मिल केस, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात को और बढ़ाया गया। तो उसके बाद ऐसे जो LIC वाला केस, ऐसे ऐसी चीजों को आप लोग जोड़िए, पूरी केस की सीरीज निकालिए, कौन कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। तो 6 या 7, 9 या 10 चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में लगभग लगभग आपको लिखना होगी कि ये मिलकर के बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और समय बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई भी टर्म, कोई भी बात मूल संविधान में नहीं है। ये सारी चीजें जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली है, ये सुप्रीम कोर्ट के समय समय पे जो डिसीजन आते हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है उसके तहत आती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है, ये संविधान की शुरुआत के लिए, पॉलिटी की शुरुआत के लिए, तो आज आप इन्हीं का नोट्स बनाइएगा, संविधानवाद का, जुडिशियल रिव्यू का, रूल ऑफ लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, ठीक है ना। तो कल हम थोड़ा सा प्रीएम्बल पे और उससे कोशिश करेंगे कि संविधान शुरू हो जाए, ठीक है। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वन्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहां पर, अन्न जहां का, ज्ञान जहां से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की।